संकट में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पद छोड़ने से बुधवार को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इसी हफ्ते नए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे जो संवैधानिक सुधार पेश करेगा। देश में गंभीर आर्थिक संकट के चलते सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका की राजधानी में सुरक्षा के लिए सैनिकों और सैन्य वाहनों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले महिंदा राजपक्षे को त्रिकोणमाली नौशहर में ठिकाने पर सुरक्षा घेरे में रखा गया है। दास के नाम अपने संबोधन में गोटाबाया भास्कर ने कहा कि नए प्रधानमंत्री एवं सरकार को नियुक्त करने के बाद संविधान में 19वें संशोधन की सामग्री तैयार करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश किया जाएगा जो संसद को और शक्तियां प्रदान करेगा। गोटाबाया ने कहा कि मैं युवा मंत्रिमंडल नियुक्त करूंगा जिसमें राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। उन्होंने देश को अराजक स्थिति में पहुँचने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। अपने संबोधन से कुछ मिनट पहले गोटाबाया ने पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बातचीत की। सियासी गतिरोध को दूर करने के लिए श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उपजे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट अनासिर नेताओं और मुख्य विपक्षी दल SJP से वार्ता करेंगे। सत्तारूढ़ SLP के वरिष्ठ नेता अनुरागापा ने वार्ता से विवाद खत्म होने की उम्मीद जताई। उधर राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया कि इस वक्त सभी श्रीलंकाई लोगों को एकजुट होना चाहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।